सो गाइस क्या कह रहे हो, मैकबुक तो खरीद लिया बट यार इसमें तो पोर्ट्स ही नहीं है भाई। एडिशनल कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, हेडफोन वगैरह लगाना है, गेम वगैरह खेलने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए या सपोज एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो भाई कहाँ पे फिट करें? सिर्फ सी पोर्ट दे रखा है, सी पोर्ट वाली ज़्यादातर चीज़ें आती नहीं है। तो भाई उसके लिए आपके लिए एक और जुगाड़ आ जाता है जो कि आता है यहाँ पे। सो ये है आपका वेरिलेक्स का 6-in-1 USB टाइप सी हब जो कि आपका कनेक्ट हो जाता है मैकबुक के साथ, मैकबुक प्रो के साथ। क्योंकि यार जितनी महंगी महंगी हम चीज़ें लेते जाते हैं, जितनी महंगी महंगी चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं, उतना ही प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बोले कमियां जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चाहे आप आईफोन ले लो, चाहे आप मैकबुक ले लो, मैकबुक के अंदर तो भाई पोर्ट्स नहीं दे रहे, आईफोन के अंदर चार्जर नहीं दे रहे, फिर आपको सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं अलग से। इस पे तो खर्चा हो गया मोटा, यहाँ पे आप जो है वो पैसे बचा सकते हो। ये आता है मात्र 1200 रुपये का, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो 20 रुपये का डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पे वेरिलेक्स कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। अभी खरीदोगे? अभी क्यों, अभी जाके कैसे खरीद लोगे भाई? पूरा रिव्यू तो देख लो कि क्या ये एक्चुअल में काम करता भी है, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई बैठा है एकदम तड़कते भड़कते वीडियोस देने के लिए, और जो भी देता है एकदम सच्चाई में देता है भाई, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सारी चीज़ों को इसके साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि भाई कंपनी क्लेम करती है यहाँ पे आपको 4K 2K रेजोल्यूशन 30 हर्ट्ज तक का मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे 3.0 USB की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 5 GBPS की स्पीड जो है वो यहाँ पे अटेन करने का आपका दावा करता है। एंड USB 2.0 जो है एंड साथ में कार्ड रीडर जो है वो आपका देता है ऑलमोस्ट स्पीड 480 MBPS की। ओके गाइस, तो कुछ ऐसा सब बॉक्स हमें यहाँ पे वेरिलेक्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। इधर कंपनी की ब्रांडिंग है, 6-in-1 USB टाइप सी हब है, प्लस इसमें आपको कार्ड रीडर का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। HDMI स्लॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप 4K तक जो है स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बट आपको उसमें 30 हर्ट्ज का ही सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बैक साइड पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है, सो आप यहां से भी पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं। अनबॉक्स करते हैं तो अंदर से निकलती हैं दो चीज़ें, एक निकलता है हमारा USB हब, एक निकलता है कुछ पेपर वर्क जिसमें अगेन दोबारा से कंपनी ने कुछ डिटेल जो है वो यहां पे दे रखी है। ओके, कुछ हब आता है ऐसा सा, अगर आप देखेंगे कुछ मेटालिक फील के अंदर है, एल्यूमिनियम बेल्ट के अंदर है, तार इज नॉट फ्लेक्सिबल, थोड़ा हार्ड है। मैंने अभी तक जितने भी हब्स रिव्यू करे हैं सबकी तार मोस्टली ऐसी रहती है। यहाँ हमें सिल्वर सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ तो एक आपको USB टाइप ए 3.0 मिल जाता है, तो इसकी स्पीड यहाँ पे 5 GB की जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है ट्रांसफर स्पीड। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आपको 2 यहाँ पे टाइप ए 2.0 के जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। एंड इधर आपको एक बड़ा कार्ड रीडर मिल जाता है, इधर आपको एक छोटा कार्ड रीडर मिल जाता है। एंड इनकी स्पीड जो है वो आपको मिलने वाली है 480 MBPS की रीड एंड राइट। एंड इधर आपको HDMI पोर्ट जो है वो देखने वाला है जहाँ से आप अपना TV या अपनी स्क्रीन जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने मैकबुक के साथ। सो 6-in-1 मीन्स 3 पोर्ट, ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 6-in-1। ओके गाइस, सो ये सारा का सारा तामझाम जो है वो हम यहाँ पे इस USB हब के साथ कनेक्ट करके देखने वाले हैं कि क्या ये सारी चीज़ों को हमारे इस मैकबुक के साथ सपोर्ट करवा पाता है, नहीं करवा पाता। ये है अपना मैकबुक एंड हमने जो अपना USB हब है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडफोन जो है उसको कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला पोर्ट्स है नहीं, तो एक्सटर्नल हेडफोन की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल हेडफोन है उसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। माउस लोगों को थोड़ा आसान रहता है अगर आपके पास हाथ में माउस हो तो माउस को हम एडिशनल यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, यूज करके देखेंगे क्या हमारा माउस भी यहाँ पे तरीके से जो काम है वो करता है। एंड ये दोनों चीजें हैं एकदम RGB से भरपूर, तो काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे होने वाली है। एक हमारे पास यहाँ पे है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ज्यादा स्पीड नहीं होगी बट अबाउट 400 MBPS के हिसाब से तक इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है, तो उसको भी एक बारी राइट स्पीड रीड स्पीड जो है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे है हमारे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड एंड इसको भी हम कनेक्ट करके देखेंगे क्या ये सारी चीजें कनेक्ट करने के बाद ये हमारा यहाँ इस मैकबुक पे कनेक्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है कार्ड, तो ये है मेरे कैमरे का कार्ड जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखेंगे कि भाई इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो किस हिसाब से आती है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि USB 2 जो है 2.0 वाले USB है और जो कार्ड रीडर्स हैं वो ऑलमोस्ट 480 MBPS को जो है वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कार्ड है उसकी स्पीड मैक्सिमम 170 की है, और अगर हमें 170 MBPS भी मिल जाता है तो भाई सोने पे सुहागा, फिर तो मजा ही आने वाला है। एक एक करके हम कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं हमारा माउस।
एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो माउस है वो कनेक्ट हो गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे चेकिंग करके दिखाऊं तो आप देखोगे सामने स्क्रीन के ऊपर आपको जो कर्सर है वो दिख रहा होगा प्रॉपरली आता हुआ, तो वो हम माउस से ही यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब माउस तो भाई तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है दैट इज द हेडफोन। तो हेडफोन को अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं इसी पोर्ट के साथ। ओके, सो हमारे हेडफोन जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। लाइट वाइट जल गया, आप देखोगे RGB से भरपूर हेडफोन हैं। एंड भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे करते हैं। विथ 7.1 है तो मतलब और ज़्यादा पावर कंजम्पशन जो है वो यहाँ पे होने वाली है, और ये भी हमारे मतलब काम करना शुरू हो गए हैं। ओके, सो एक बार हम जो हमारा कीबोर्ड है उसको भी चेक कर लेते हैं। सो कीबोर्ड को फाइनली हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे इस पोर्ट के साथ, 3.0 के साथ लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये जो कीबोर्ड है दैट इज़ द मैकेनिकल कीबोर्ड, और मैकेनिकल कीबोर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा आउटपुट एक्स्ट्रा पावर जो है लेता है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट जो है वो प्रॉपरली जल गई है, एंड जलने के बाद ये कुछ ऐसी सी लुक जो है वो दे रहा है। सो दैट मीन्स हमारा कीबोर्ड भी काम कर रहा है। इसको एक बार ही सामने जो नोटपैड है उस पर इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम कीज प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे ASDFGHJKL वो सारी की सारी आपको दिख जाएगा कि यार सामने जो है हमारा ले रहा है, बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो वो भी हमारा काम कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर हम इस्तेमाल में लेते हैं तो यहाँ पे हमें इस मैकबुक के साथ और इस USB हब के साथ जो हमने इसके साथ अटैच करा है कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। ओके, ऑलमोस्ट 2 से 4 मिनट हमें यहाँ पे हो चुके हैं, एंड कहीं से भी कोई गर्म एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, कोई गर्म या कुछ ऐसी फीलिंग जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं फील हो रही है। ओके, सो एक बार हम कार्ड रीडर पे भी लगा के देख लेते हैं कार्ड को कि यार ये क्या काम करता है तरीके से। सो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी यार हमें यहाँ पे मिल गई हैं, और कार्ड रीडर भी ये हमारा एक साथ यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ओके गाइस, सो अब हम यहाँ पे इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है कार्ड की एंड हार्ड डिस्क वगैरह की उसको चेक कर लेते हैं कि क्या वो एक्चुअल स्पीड जो है वो हमें दे पाता है। सो सबसे पहले कार्ड को चेक कर रहे हैं। सो कार्ड में हमें यहाँ पे 90 Mbps की स्पीड जो है वो मिल जाती है। कार्ड वैसे दिखा रहा है आपका 170 Mbps की स्पीड आपको देता है, बट मैं जब अपने PC के साथ भी इसको कनेक्ट करता हूँ तो मुझे 90 to 95 Mbps की स्पीड जो है वो यहाँ पे मिलती है। सो अब हम नेक्स्ट कनेक्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क में कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट 2.0 पे आपको 480 Mbps, एंड हमारी जो हार्ड डिस्क है वो अराउंड अबाउट 400-420 Mbps तक ही सपोर्ट करती है। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 400+ Mbps जो है वो हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क का भी मिल रहा है। सो दैट मीन्स जो कंपनी क्लेम कर रही है स्पीड का वो हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके गाइज, सो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में देखी, अनबॉक्सिंग देखी, एंड प्रोडक्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पे जाके आप बता सकते हैं। बाकी आपने देखा हमने कीबोर्ड कनेक्ट करा, हमने माउस कनेक्ट करा, हमने हेडफोन्स कनेक्ट करे, इवन हमने अपने जो मेमोरी कार्ड है वो सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर दी हैं, सारी की सारी एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रही थी, कहीं से भी हमारा ये जो हब है वो हगा नहीं। तो यार थम्स अप फॉर दैट। बाकी आप लोग भी अगर खरीदना चाहते हैं मेरे हिसाब से 1200 रुपये 6-in-1 के हिसाब से तो इट्स अ डिसेंट प्राइस यार। हम मैकबुक वगैरह खरीद रहे हैं 1-1.5 लाख का, उसके लिए 1200-1500 रुपये का खरीदना प्रोडक्ट तो भाई मेरे हिसाब से बनता है। बाकी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पर जाके आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे जहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। सो मिलते एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। I'm about to go off like a weapon, fueled to the